दिस इज रीटा वानिया, योर इंग्लिश ट्रेनर. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर माई चाइल्डहुड रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम. एंड वी हैव डन इन दिस चैप्टर दैट वी केम टू नो दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट मीन एक छोटा सा एक पीस लिया हुआ है किस बुक में से. उनकी ही एक बुक लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर. इन दैट ऑटोबायोग्राफी माई चाइल्डहुड रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम, former president of India. Clues about his childhood, about his parents also. We came to know about his mother, okay, and about his father and three friends, three very close friends, clear. And now, students, आपको हर session के end में vocabulary का भी एक session है, ठीक है. जैसे ही session complete होता है आपको कुछ vocabulary के words होंगे which are important for you. For writing the questions, okay, for writing the answers, and those words definitely enhance your speaking and reading and writing skills also. So there's a request to watch this video till end. इस वीडियो को बीच में देखोगे तो आपको वो जो नॉलेज है वो हाफ रहेगी, एंड तक देखोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा इन्हेंस होगी, ठीक है. तो ये जो सेशन है एंड में जो वोकैबुलरी का है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आप इसको एंड तक जरूर देखें, क्लियर. And there's a one more request. If you have not subscribed this channel till now, or yet, you should do it now. Okay, अभी के अभी आप इसको subscribe करो and hit the bell icon to get all. Here today we will start that what kind of incidents that he describes. Okay, incidents, two main incidents that he says that he could never forget. These incidents happened to him during school time. Okay, now first incident which we have. Kalam recalls an incident. Which incident he recalls? Science teacher Sivasubramanya Iyer. एक उनके एक साइंस टीचर थे Sivasubramanya Iyer. Iyer जो थे वो क्या थे, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे. ऑर्थोडॉक्स क्या होते हैं, विच आर वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट. ओके, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, कंजर्वेटिव वाइफ, कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल. ओके, उनकी जो वाइफ थे तो वो क्या था, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे. उनकी जो वाइफ थी बहुत ही कंजर्वेटिव थी. अब क्या है कि जो ये साइंस टीचर हैं उनको पता था कि दैट हिज वाइफ इज़ वेरी कंजर्वेटिव. देन ही इनवाइटेड कलाम, अब्दुल कलाम, टू अ मील एट हिज होम. उन्होंने क्या किया, अब्दुल कलाम को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया, नोइंग दैट अब्दुल कलाम इज़ अ मुस्लिम बॉय. ओके, इवन देन ही कॉल्ड हिम टू हैव मील इन हिज होम. देन When he came, what happened? Wife came to know that this boy is a Muslim and being a conservative, okay, and being a very orthodox Brahmin, she refused to serve him. उन्होंने मना कर दिया कि मैं इनको खाना नहीं खिलाऊंगी. Wife refused to serve a Muslim boy. उन्होंने क्या बोल दिया कि मुझे इनको खाना नहीं खिलाना है. In her kitchen, because पहले क्या होता था कि अभी तो डाइनिंग टेबल्स होते हैं तो डाइनिंग टेबल्स में सब बैठ के खाना खाते हैं. तो पहले क्या था कि एक मिनट के ऐसे सिस्टम होता था कि किचन में ही खाना खाते थे, तो वहीं पे ही खाना परोसा जाता था, वहीं बैठ के ही खाना खाया जाता था. तो उनको क्या लगता था कि इफ़ मुस्लिम वॉइस कम्स एंड सिट्स दैट इन माय किचन, दैट माय किचन विल बी इम्प्योर. ओके, उनको क्या लगता था कि मेरी किचन जो है वो इम्प्योर हो जाएगी, क्लियर. तो दिस वॉज द मेन रीजन दैट शी नेवर वॉन्टेड हिम टू सिट, कम एंड सिट एंड ईट विद देम. ओके, दिस वॉज द मेन रीजन. एंड when science teacher saw that wife did not come inside and wife had refused to serve him, this Muslim boy Abdul Kalam ji, then what the teacher did, instead of just calling his wife, instead of just saying any other words to him, to her, he served. उन्होंने खुद ही उनको खाना खिलाया, अपने ही हाथों से खुद खाना सर्व किया. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो टीचर साइंस टीचर हैं इनके मन में ऐसा कुछ नहीं कि रिलीजन से है, मुस्लिम है, हिंदू है, इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो वो क्या चाहते थे कि जो उनकी कंजर्वेटिव वाइफ है वो भी ऑर्थोडॉक्स ना हो, कंजर्वेटिव ना हो, क्लियर. देन वट हैपन वैन दिस इंसिडेंट वॉज ओवर, वैन कलाम गॉन बैक टू हिज होम, टीचर इन्वाइटेड कलाम अगेन टू डाइन विद हिम अगेन अनदर डे. अब क्या हुआ कि टीचर ने फिर से कलाम जी को फिर से बोला कि आप फिर से मेरे साथ खाना खाने के लिए, यू शुड कम टू माई होम. ओके, नाउ सी इन दिस वी केम टू नो दैट हिज वाइफ रिफ्यूज टू इवन टू फेस दैट अ मुस्लिम बॉय. ओके, शी डिड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ हिम.
Then again he invited him. It's a really beautiful incident that what he wanted to prove, what the science teacher wanted to prove here. Clear? Then what happened when he called his when he called Kalam back to dine with him again that another day, किसी और दिन के लिए बुलाया गया. Then surprisingly, बहुत हैरानी की क्या बात थी, that this time the teacher's wife sat with him. Now she was totally changed, okay, and her thoughts were changed because there might be he must have taken his class or he must have told him about the all the rituals and everything, okay, that all people are same, fine. Then she agreed to her husband whatever he told. Then next day when he was called, jab next day unko bulaya gaya to kya hua, unki wife unke sath बैठ के उन्होंने खाना खाया एंड सर्व्ड हिम विद हर हैंड्स, और उन्होंने खुद अपने हाथों से उनको सर्व भी किया. ओके, नाउ दिस इज अ रियली वेरी ब्यूटीफुल इंसिडेंट दैट कलाम जी सेज दैट ही कुड नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट. ही कुड नेवर फॉरगेट, क्योंकि ये इंसिडेंट जो था यहाँ से क्या पता चलता था कि वी ऑल आर सेम. नाउ ही रिकॉल्स अनदर इंसिडेंट when he was in 5th standard. What happened at the time, another teacher was there, math teacher was there, a new teacher came. ठीक है, अन्य टीचर केम हिज स्कूल अगेन अनदर टीचर. दिस इज स्टोरी ऑफ साइंस टीचर, दिस इज स्टोरी ऑफ अनदर वन टीचर. अन्य टीचर केम एंड ही वॉज ऑल्सो अ ब्राह्मिन टीचर. क्लियर? बिकॉज जहाँ पे अब्दुल कलाम जी रहते थे उन वहाँ पे बहुत ही कुछ ही लोग मुस्लिम्स थे, तो रेस्ट ऑफ द जितना भी आइलैंड था, जो टाउन था, तो वो सारे का सारा जो था वो हिंदू जो ब्राह्मिन थे उन्हीं का ही था. तो अब क्या हुआ कि वो जो टीचर थे, न्यू टीचर आए, देन ही सो कलाम सिटिंग विथ रामानंद शास्त्री. रामानंद शास्त्री ये भी कहाँ थे, ये क्या थे, ये भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे. वेन ही सॉ दैट ही वॉज सिटिंग देयर विद हिम ऑन द सेम बेंच, ओके, देन व्हाट डिड ही से, व्हाट वॉज टीचर्स रिएक्शन, ही इमीडिएटली मेड हिम सिट एट द लास्ट बेंच. व्हाट हैपन्ड, उन्होंने क्या किया, ही मेड हिम स्टैंड, ओके, उन्होंने को खड़ा किया एंड टोल्ड हिम टू सिट एट द लास्ट बेंच. देर वॉज नो नीड टू सिट विद द ब्राह्मिन बॉय बिकॉज ही थॉट दिस अ मुस्लिम एंड मुस्लिम शुड नॉट सिट विद ब्राह्मिन. ओके, सो व्हाट हैपन्ड देन व्हेन ही वॉज गोइंग बैक, व्हेन ही चेंज्ड हिज सीट एंड वॉज गोइंग बैक, ओके, देन व्हाइल गोइंग ही सॉ रामानंद शास्त्रीज आईज एंड रामानंद शास्त्री ही ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड एंड हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स. ठीक है, रामानंद शास्त्री को बहुत बुरा लगा कि टीचर ऐसे क्यों कहा, बट दे वर वेरी स्मॉल, दे कुड नॉट दैट प्रोटेस्ट, है ना, वो उसका प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते थे, बट जब वो वापस जाने लगे तो उनको बहुत बुरा लगा कि जब उनकी एक दूसरे से जो नज़र मिली. देन व्हाट हैपन्ड व्हेन ही रीच्ड होम, बोथ रामानंद शास्त्री एंड कलाम दे कंप्लेन टू देयर पेरेंट्स, टू देयर फादर्स. ठीक है, तो उन्होंने अपने फादर्स को कंप्लेन की, तो उनको समन भेजा गया. समन क्या होता है, बुलावा भेजना. समन भेजा गया, दे कॉल द टीचर एंड इट वॉज टोल्ड टू हिम इधर यू अपोलोजाइज और लीव दिस टाउन, या तो तुम माफ़ी मांगो या तो फिर इस टाउन को छोड़ के चले जाओ. तो ये टू इंसिडेंट्स हैं जो कलाम जी ने अपनी बुक जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर में स्पेशली इनको वहाँ पर मैंशन किया हुआ है. आई होप कि आपको भी यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा कि क्या कलाम जी वो कहना चाहते थे और उनके अंदर ऐसी क्या भावनाएं थी कि दैट ही रोट एवरीथिंग इन हिज बुक. आफ्टर दोज इंसिडेंट्स नाउ व्हाट हैपन्ड, वी नो दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो स्टार्टेड, ओके, इट वॉज ब्रोक आउट 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो ओवर हो जाती है. क्लियर? उसके बाद एट द टाइम ही वॉज ऑफ 8 ईयर्स ओल्ड, फाइन. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ओवर हो गई तो बाय द टाइमिंग अब उनकी जो खुद की जो एजुकेशन थी वहीं पे जो लोकल स्कूल में वो भी कंप्लीट हो चुकी थी. उन टाइम में जो गांधी जी उस समय एक लीडर थे, ठीक है, द फ्रीडम फाइटर्स, तो उन्होंने क्या कहा था कि गांधी जी कोटर द इंडिया विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. तो गांधी जी उन्होंने कहा था कि इंडिया जो अपना ही खुद का एक इंडिया बनाएगा, दैट मीन्स दैट ब्रिटिश रूल्स वॉन्ट बी फॉलोड इन इंडिया एनी मोर, कि और ज़्यादा ब्रिटिशर्स के जो रूल्स हैं वो इंडिया में नहीं फॉलो होंगे. देन अब उसके बाद क्या था कि आफ्टर दिस द कलाम वॉन्टेड टू गो टू रामानंदमपुरम. रामानंदमपुरम ये सिटी है,
ठीक है, ही वॉन्टेड टू गो देयर. वट वॉज द रीजन बिहाइंड टू गो देयर? बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर, अपने आगे की स्टडी को पूरे करने के लिए अब वो सिटी में जाना चाहते थे उस टाउन को छोड़ के. बट हिज मदर वॉज हेजिटेंट टू सेंड हिम बिकॉज उनको लगता था कि ये दूर नहीं जाएंगे, कि उन्हीं टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, उन्हीं टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स का भी इंडिया को फ्री करने का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स चल रहे थे. एंड शी नेवर वॉन्टेड दैट कलाम शुड लीव that the place, the hometown and go to another city. So she was hesitant hota ki hichkichana ki wo, she was not willing to send him away from that city, from that town. Then when it was discussed with his father, jab ye baat unke father se discuss hui to unhone kya kaha, abbo I know you have to go away to grow. Abbo kehte hain ki abbo, Abdul Kalam, the nickname is abbo. Okay, so his father said, abbo I know that you have to go away to grow, ki tumhe to bahar jana hoga, jana hi hai grow hone ke liye. If you really want to become something then you should go out. Clear? अब वो आगे एग्जांपल्स देते हैं कि डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एंड विदाउट अ नेस्ट. कहते हैं कि ऐसा है कि जो सीगुल होता है, सीगुल क्या है, ये एक बर्ड है, ठीक है. कहते हैं कि कभी सीगुल को भी आपने देखा है कि वो मिलकर दूर तक नहीं उड़ता है, सूरज को भी क्रॉस नहीं करता, कभी आप ऐसा हुआ कि बिना नेस्ट के वो जाता है. तो अगर अब वो क्या घर वहाँ पे नहीं है तो डज नॉट मीन कि अब वो ग्रो नहीं होगा, इसको जाना ही होगा. तो फिर वो एक खलील गिब्रान, एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट है, राइटर है, उनकी बुक जो है, एक उन्होंने अपनी बुक में कुछ लाइन्स लिखे हैं जो अब्दुल कलाम के फादर इन लाइन्स को रीड आउट करके मिनकी उनको उनकी मदर को सुनाते हैं, अपनी वाइफ को सुनाते हैं कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि ये तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, अब ये बड़े हो गए हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्स सेल्फ. अब इनकी खुद की डिज़ायर्स हैं, लॉन्गिंग्स मीन डिज़ायर्स. अब इनकी खुद की डिज़ायर्स है तो इनको खुद अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इनकी आगे जाना पड़ेगा. ये नहीं है कि अभी पेरेंट्स को अपने थॉट्स जो है वो बच्चों के माइंड में डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो खुद भी अपने थॉट्स लेके इस धरती पे इस उन्होंने बर्थ लिया है. तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे समझ आया होगा. अभी हम इसकी करेंगे वोकैबुलरी. फर्स्ट वी आर गिवन रिजिड. रिजिड क्या होता है? जो फ्लेक्सिबल ना हो. रिजिड का तो बहुत ही हार्ड, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल ना हो. कई कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नेचर रिजिड होती है, क्लियर, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नेचर बहुत फ्लेक्सिबल होती है. ये फ्लेक्सिबल, ठीक है, जैसे वो मोल्ड करना चाहे वो मोल्ड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, क्लियर. तो रिजिड क्या हो गया? जो इनफ्लेक्सिबल हो, जिसे मोड़ा ना जा सके, जिसे बदला ना जा सके, विच कैन नॉट बी या हु कैन नॉट बी चेंज्ड. नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव आई टोल्ड यू ट्रेडिशन टाइप, ओके, या ट्रेडिशनल टाइप, वी कैन से ट्रेडिशनल टाइप, क्लियर, परंपरावादी. परटर्ब्ड होता है अपसेट होना, ठीक है, परेशान होना. ऑन द पार, ऑन द पार ये फ्रेज है, ठीक है, एट द सेम लेवल. ऑन द पार मीन एट द सेम लेवल. कंफर्टेड, कन्फ्रंटेड, सॉरी, कन्फ्रंटेड. टैकल्ड, कन्फ्रंटेड होता है किसी का सामना करना, टैकल्ड करना, कन्फ्रंटेड, ओके. सो ये इसका एक सिनोनिम है. नेक्स्ट वी हैव इमिनेंट. इमिनेंट होता है कोई चीज़ का होने होना, ठीक है, जैसे इंडियस फ्रीडम वॉज अबाउट इमिनेंट, अबाउट इमिनेंट की अब वो फ्रीडम होने ही वाली थी, क्लियर. नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स न्यू. अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे यूज़ किया गया है कि अब उनको जो न्यू जो लॉज थे अब उनको फॉलो करना था. अनप्रेसिडेंटेड इंडिया उनके सामने आना था, न्यू इंडिया अब आना था, क्योंकि जो ओल्ड इंडिया था अब तो वो ब्रिटिश के साथ ही खत्म कर दिया उन्होंने. तो उन्होंने कहा था कि इंडिया विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, ठीक है. तो अनप्रेसिडेंटेड की मीन कि जो न्यू लॉज होंगे अब न्यू इंडिया जो है वो सबके सामने आएगा, क्लियर. नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म क्या था? होप, पॉजिटिव, आशावादी. वी हैव नेक्स्ट लॉन्गिंग. लॉन्गिंग होती है डिज़ायर्स, इच्छाएँ. नेक्स्ट वी हैव मिंगल. मिंगल इज टू इंट्रैक्ट विथ ईच अदर, मीन कि एक दूसरे से मिलना, ठीक है, इंट्रैक्शन करना, क्लियर. नेक्स्ट वी हैव सेक्रेड. सेक्रेड मीन होली. होली मीन्स पवित्र. यहाँ पे एक वर्ड होगा आपके पास, सेक्रेड थ्रेड, ठीक है, जो जनेऊ डालते ना, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पंडित लोग होते हैं वो एक धागा सा डाला होता है वाइट कलर का, वो होता है सेक्रेड थ्रेड, वो होता है, उसको हम कहते हैं होली थ्रेड. तो अगर हम इसके साथ इसको लेते तो क्या बन जाएगा? ये होली थ्रेड, क्लियर. उसको हिंदी में अगर हम देखें तो उसको कहते हैं जनेऊ, क्लियर. देन नेक्स्ट वी हैव डाउनकास्ट. डाउनकास्ट होता है सैड और डिप्रेस्ड, उदास हो जाना, परेशान हो जाना. ये भी सेम ऐसे आ गया जैसे हमारे पास यहाँ पे है प्रिटर्ब्ड, ओके. नेक्स्ट है समन्ध. समन्ध होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर अगर किसी के पास आता है, ठीक है, जैसे कोर्ट का ऑर्डर हो गया, कोई ऑफिशियल ऑर्डर हो गया, उसको हम कहते हैं
समन या उसको कॉल्ड। अब यहाँ पे ईडी लगाया क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे भी हम सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। फाइन, नेक्स्ट है कन्वेड। कन्वेड भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो कन्वेड होता है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटेड। क्लियर, सेकंड फॉर्म कन्वेड है तो कम्युनिकेटेड भी क्या होगा इसकी सेकंड फॉर्म। क्लियर, आई होप कि आपको ये 14 वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, और जो चैप्टर अभी तक हमने किया 2 पार्ट्स में वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।